हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिक पंडित ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर, जो नासिक में न्यू खुला है। और गाइस, मेरा ड्रीम था कि केदारनाथ मंदिर जाएं और वहां का ब्लॉग बनाऊं मैं पहला, लेकिन पर ये हो नहीं सका, इसीलिए मैं अभी यहां सेकंड ब्लॉग बना रहा हूं। पहला ब्लॉग है मेरा गंगापुर डैम का और सेकेंड ब्लॉग होने वाला है मेरा केदारनाथ मंदिर का। तो गाइस, ये लगता है मेरा ड्रीम इधर ही पूरा होगा, उधर नहीं, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो गाइज मेरा उधर भी ड्रीम पूरा हो जाएगा, उधर भी जाने का। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करें। और गाइज अभी तो मैं फ़िलहाल सोनू के घर पे आया हूँ, सोनू नहा रहा है, नहाना हो जाए उसका तो फिर हम निकलेंगे अभी केदारनाथ मंदिर की ओर। तो चलिए गाइज चलते हैं, सोनू का नहाना हो जाए फिर निकलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे जाना है केदारनाथ मंदिर की ओर। तो चलिए, तो गाइज अब हम चलते हैं केदारनाथ मंदिर, और सोनू नहा लिया है, अब वो आ रहा है, फिर हम निकलते हैं। आप देख रहे हो कह रहे क्रीम पाउडर लगा के आ रहा है, गोरा चिट्टा होके, ठंडी का मौसम लगाना ही पड़ेगा। तो गा सोनू चले फिर, जरूर चलिए फिर निकलते हैं। हे गाइस, अब हम निकल चुके हैं केदारनाथ की ओर और हम जा रहे हैं अभी केदारनाथ। अभी हम सोहित के घर पे आए थे, सोहित को लेके अब हम केदारनाथ की ओर निकल रहे हैं। तो गाइस चलिए चालू करते हैं। गाइस हम त्र्यंबक वाले रास्ते पे जा रहे हैं, आप देख रहे हो, और यही रास्ता सीधे जाना है संदीप फाउंडेशन तक, और उसके बाद फिर वहाँ से टर्न मारना है सबका नॉलेज के पास पहुँच के लेफ्ट साइड में टर्न मारना है। गाइस हम संदीप फाउंडेशन पे पहुंच गए हैं। अरे भाई, यही रास्ता आपको त्र्यंबक जाता है, पालघर जाता है, दवाड़ू जाता है, जवार जाता है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। अरे तो हमारा दोस्त सोनू ने बता दिया आपको किधर किधर जाता है रास्ता, ठीक है, यही रास्ता पकड़ना है। गाड़ी ठीक से नहीं चलाओगे तो स्वर्ग भी जाता है। तो आपको यही रास्ता पकड़ के सीधा जाना है, और ये रहा संदीप फाउंडेशन, आप देख सकते हो कितना बड़ा कॉलेज है, नासिक की बहुत बड़ी कॉलेज है, और ये नासिक का एक टाइप से बहुत बड़ा शान है। आप देख रहे हो कितना मस्त कॉलेज दिखता है, अंदर से तो बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है। कॉलेज के सामने इतना बड़ा ब्रेकर बना है कि ऐसा लगता है झूला झूल रहे हैं, करीब 3-4 किलोमीटर फैला हुआ है। आज देख रहे हो, आज 26 जनवरी, कितना मस्त सजाया है स्वीट्स वगैरह। तो गाइस अब यहाँ से हमें टर्न मारना है आगे से, इधर से मार रहा है टर्न, वो फोर व्हीलर दिख रही है आपको, वो स्विफ्ट निकली जहाँ से, वहां से हमें टर्न मारना है, और वहीं से हमें केदारनाथ जाना है। मैं तो गया नहीं हूँ, मेरे दोस्त लोग, शिव शक्ति ज्ञानपीठ, और ये देख लीजिए इधर लिखा है शिव शक्ति ज्ञानपीठ, यहीं से जाना है हमें, ठीक है। ये फोर व्हीलर वाला बीच में ही रुक गया, और ये बोर्ड याद रखिएगा शिव शक्ति ज्ञानपीठ, इधर से हमें टर्न मार के सीधे जाना है। आप गाइस नज़ारा देखिए, कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है, करो। ये मेरा दोस्त सोहित और ये मेरा दोस्त सोनू, हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। ये लोग पहले भी आके जा चुके हैं, इसीलिए ये लोग मेरे को लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हो इधर पीछे कितना पुराना मंदिर है, आगे और भी है। यहाँ ये लोग आ चुके हैं, मेरे को ज्यादा पता नहीं है, आप देखिए इधर मैं आपको दिखाता हूँ कितने मस्त मस्त मंदिर पहाड़ है। गाइस आप देखिए इधर कितने मस्त मस्त मंदिर हैं पहाड़ पे, वो भी घूमने के लिए बहुत मस्त मस्त जगह है इधर त्र्यंबक साइड में। ये देखिए वाला मंदिर, ये देखिए मंदिर सामने है, कितना पुराना है,
ये देखिए कितना पुराना मंदिर है, पूरा खंडर टाइप हो गया है। ये देखिए इसके पूरे पत्थर पत्थर अलग हो गए हैं। गाइस आप नजारा देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है नजारा, पहाड़ गाड़ क्या मस्त दिख रहे हैं, एकदम क्लासिक दिख रहा है। टन वगैरह भी बहुत मस्त है, आपको घूमने आना हो तो बेशक आप घूमने आ सकते। तो गाइस हम लोग केदारनाथ मंदिर जा रहे थे, रास्ते में ये झील मिला, आप देख रहे हो कितना बड़ा झील है। और इधर भी गर्दी है, इधर भी पब्लिक भरपूर है, लोग आ रहे हैं। 26 जनवरी होने के कारण बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत लोग घूम रहे हैं। इधर देख रहे हो आप गाइस कितना पाइप लगाया हुआ है, सब ये खेती वाली पाइप है। जहाँ तक नज़र देखोगे वहाँ तक पाइप ही लगे हैं और पब्लिक है। ये मेरे जाड़े का आइलैंड है जिस पे वो खड़ा है, उसके बराबर ही आइलैंड है। क्या जाडू अनुप अनुप मिल गया पत्थर, हाँ देख रहे हो दो ही टप्पा मारा इसने। हाँ देख रहा हूँ जाडू, देखो इससे अच्छा तो तू पानी में कूद जाता तो उससे ज्यादा टप्पा पड़ जाता। अरे रहन जाड़े को पुष्पा कुछ ज्यादा ही याद है। अरे जाड़े एक नहीं मार पाया और बोलता है दो क्या। कितना हरामी है जाड़े, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा आया था लगता है बहुत ज्यादा क्या। हाँ गिन रहा है गिन रहा है, चलो सपने में जा रहा है। अरे ये मोटे की आंख में चला गया, चश्मे का नंबर बढ़ गया है जाड़े। गर्दी तो गाइस देख रहे हो आप कितनी गर्दी है, आज 26 जनवरी होने के कारण इतनी गर्दी है। और बाकी दिन मेरे आज लोग आए थे तो उस दिन इतनी गर्दी नहीं थी, लेकिन आज 26 जनवरी है इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही गर्दी है। और बस वो भी मंदिर सुनने में आया कि बंद है और ज़्यादा गर्दी होने के कारण बंद करके रखे उन्होंने। गाइस अब वहाँ अंदर तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि मंदिर बंद है, इसीलिए मैं आपको बाहर से ही सारा व्यू दिखाता हूँ और जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख रहे हो मैं आपको कितना पास से थोड़ा थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए मंदिर कुछ इस तरीके से बना हुआ है और लगता भी बहुत हद तक केदारनाथ मंदिर जैसा है। आप देख पा रहे हो कितनी गर्दी है इधर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा गर्दी है। इतनी गर्दी महादेव से मिलने के लिए, क्योंकि ये सब महादेव के भक्त हैं इसीलिए ये लोग भी आए और हम भी आए हैं। और ये देखिए हमारा मोटा सोनू स्माइल कितना दे रहा है और ये नोटिस लिखा हुआ है, आप देख ही पा रहे हो, पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है। इसीलिए आज इन्होंने बंद कर दिया है और 26 जनवरी है और ज़्यादा गर्दी भी है तो इसीलिए इन्होंने बंद कर दिया है। तो गाइस हम फाइनली केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, आप देख पा रहे हो इधर कितनी गर्दी है, बहुत गर्दी है, बहुत लोग आए हैं लेकिन पर मंदिर बंद होने के कारण सब बाहर से ही फोटो वीटो निकाल रहे हैं और मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो आप देखिए गाइस इधर कितनी गर्दी है, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट पे। सो
आप देख सकते हो कितनी गर्दी है। और हम भी आए इधर, हमें लगा कि आज खुला होगा, लेकिन उधर नोटिस बोर्ड लगा था, नोटिस लिखा था कि आज 26 जनवरी होने के कारण, ज़्यादा गर्दी होने के कारण इधर बंद हो सकता है मंदिर, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो गाइस अब हम थोड़ा व्यू लेके और हम देख के जा रहे हैं हम भी घर पे। ये देखिए गाइस पीछे का नज़ारा, और अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा ऊपर चढ़ता हूँ थोड़ी ऊंचाई पे। ये देखिए कैसे फोटो निकाल रहे सब। आप देख रहे हो पीछे कितना मस्त नजारा दिख रहा है पीछे से भी, और मंदिर के पीछे सिर्फ खेती है। पहले तो लगा था फ्रंट वो है, इधर लगा फ्रंट वो है। और इधर देखिए गाइस कितनी गर्दी है, फोटो वीटो डीएसएलआर कैमरे से मस्त फोटो निकाल रहे हैं सब। यहाँ हमारा सोनू और ये सोहित, हे गाइस आप देख पा रहे हो कितनी गर्दी है। हम लोग आए थे केदारनाथ और अभी हम पीछे गए थे, लेकिन अब आगे से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हो कितनी गर्दी है, दूर दूर तक लोग ही बैठे हैं बस। हे गाइस हम लोग आ चुके हैं इधर, बहुत दूर से आए हैं, और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि मंदिर बंद है 26 जनवरी होने के कारण, और ज़्यादा गर्दी हो रही के कारण मंदिर बंद है। तो सिर्फ हम फोटो ले पाए और वीडियो दिखा पाए, और आप देख पा रहे हो इधर कितनी गर्दी है। और गाइस मेरा ड्रीम था कि केदारनाथ में आओ और केदारनाथ जाओ और उधर पहला ब्लॉग अपना बनाओ, लेकिन पर ऐसा हो नहीं सका, और इसीलिए फिर मैंने नासिक में केदारनाथ खोला। तो मैं सोचा कि इधर ही चल के अपना ड्रीम पूरा कर ले, तो गाइस मैं इधर आया और ड्रीम तो पूरा हो नहीं पाया क्योंकि दर्शन हो नहीं पाए महादेव के। तो इसीलिए अब हम जा रहे घर पे, और चलिए गाइस चलते हैं अब घर पे, बहुत टाइम हो गया, और बाय बाय। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।